गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम इन माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आप जानते हैं कि आपका सिलेबस जो पूरा चेंज हो गया है, वो सीबीएसई पैटर्न पर आ गया है। एनसीईआरटी बुक्स आपको इस बार लगी है, और इसके पहले जो भी चैप्टर मैंने टीच किया वो बुक अवेलेबल नहीं थी, और सिलेबस भी बाद में मिला, इसलिए वो सारे जो चैप्टर्स आपको टीच कराए गए हैं वो सारे इस समय वैलिड नहीं है, उसको नहीं माना जाएगा। अब आपको जो न्यू बुक इस बार एडिट हुई है उसका नाम है हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल के सारे चैप्टर्स जो है न्यू है। तो उस बुक का ये पहला चैप्टर जो है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इस बार आप लोगों को केवल चैप्टर को पढ़ने के बाद एक लॉन्ग आंसर एक शॉर्ट आंसर प्रोन में से आएगा, तो पूरे चैप्टर्स को रीड करना है। रीड करने के बाद उसका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपको प्रिपेयर करना होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाई खुशवंत सिंह। ये कहानी जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, और पोर्ट्रेट माने होता है शब्द चित्र। उन्होंने इस चैप्टर में अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में उनका शाब्दिक चित्रण किया है, उनके जीवन की समस्त घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसको पढ़ करके लगता है कि व्यक्ति के संबंध किस तरह से एक दूसरों के निकट ला देते हैं। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ से बहुत ही मोटिवेटेड हैं, और उनके जीवन में इन्होंने इस चैप्टर में तीन स्टेज बताया है। पहले स्टेज यानी चाइल्डहुड में दादी माँ उनके साथ स्कूल जाती हैं, दूसरे स्टेज यानी जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं तो दादी माँ स्कूल नहीं जाती हैं, घर रहती हैं, और तीसरे स्टेज में जब वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं तो किस तरह से दादी माँ उनसे सेपरेट हो जाती हैं और अपने अपने समय को किस तरह से पास करती हैं। ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हार्ट टचिंग एक्सप्लेनेशन जो है लेखक ने किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस लेसन के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक लेडी का, एक महिला का शाब्दिक चित्रण। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी गिव्स अस ए पिक्चर ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए ज्वाइंट फैमिली। इसमें ये बताया गया है कि संयुक्त परिवार में किस तरह से मनुष्य के बीच में आपस में संबंध स्थापित हो जाता है। इट इज ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एंड रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ हाउ द ग्रैंड पेरेंट्स गिव ऑल देयर टाइम। और ये भी बताया गया कि किस तरह से घर में जो दादी दादा होते हैं वो बच्चों को किस तरह से अपने पूरा का पूरा समय दे देते हैं, और पूरा अपना ध्यान, अपना पूरा प्यार जो है बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर डीपली मूविंग विद डेटा ऑफ ह्यूमर एंड पोएट्री इन इट। और ये कहानी जो है इसमें हंसी मजाक भी है, और इसमें बहुत ही मर्मस्पर्शी बातों का वर्णन किया गया है। लेखक की जो दादी माँ है वो इतनी बूढ़ी थी कि उनसे बूढ़ा और कोई नहीं था, अब वो बूढ़ी हो गई थी, और लेखक जब वो संभालते हैं तब दादी माँ का तब से इन्होंने वर्णन किया है, और कहते हैं इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट वंस यू टू प्ले गेम्स एज ए चाइल्ड। और ये विश्वास करना कठिन है कि दादी माँ जब बच्ची थी तो किस तरह से खेल खेलती थी, एट वॉज एवन यंग एंड मैरिड, और कैसे वो नौजवान थी, कैसे उनकी शादी हुई थी। सी सीम्ड टू हैव स्टार्ट ग्रोइंग ओल्डर, और इस समय अब वो बिल्कुल इतनी बूढ़ी हो गई थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। इन द विलेज सी वॉज लेफ्ट एलोन विद हर लिटिल ग्रैंड सन, गाँव में वो अपने छोटे ग्रैंड सन के साथ, यानी लेखक जो है उनको उन्हीं के साथ छोड़ दिया गया था। सी वॉज रिलीजियस माइंडेड, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सी वॉज ऑल द टाइम टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, बीड्स ऑफ रोजरी माने होता है माला जपना। वो हमेशा हर समय अपने हाथ में माला लिए रहती थी, और उसके मनकों को, उसके दाने को हमेशा चलाती रहती थी, और कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। सी टूक द चाइल्ड टू टेम्पल स्कूल, वह बच्चे को मंदिर के स्कूल में ले जाती थी। इनसाइड सीरियल हॉलीवुड, और बच्चे को स्कूल में बैठा करके अपना धार्मिक पुस्तक पढ़ती थी। वाइल रिटर्निंग होम सी फेड द विलेज डॉग्स, और जाते समय दादी माँ
घर की बासी रोटियों को रख करके ले जाती थी और जब लौट करके आती थी तो रास्ते में गलियों में जो कुत्ते होते तो उनको रोटियाँ खिलाती थी। इन द सिटी सी बी गेन टू फीड द स्पैरो। लेकिन जब लेखक बड़े हो जाते हैं और वो पढ़ाई करने के लिए अपने जो है पेरेंट्स के साथ जो है सिटी में जाते हैं तो ऐसे में दादी माँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेखक के साथ नहीं जाती हैं और वो तब उनका जो रोटी खिलाना है वो गौरैया को रोटी खिलाती हैं एंड शी गॉट ए सेपरेट रूम टू लिव एंड डेयर वेयर नो डॉग्स। और उनको रहने के लिए अलग कमरा मिल जाता है, वहाँ गली में कोई कुत्ते नहीं हैं। इन द लास्ट पेज और तीसरी अवस्था में सी रिसीव्ड द ऑथर वार्मली व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम एब्रॉड। तीसरी अवस्था में वो लेखक को बहुत ही हृदय से स्वागत करती हैं जब वो विदेश से पढ़ करके आते हैं। सी सैंग इन होम कमिंग। और उनके घर आने पर दादी माँ ने खूब गीत गाया एंड बीट द ड्रम और ढोल भी बजाया। सी वाज़ टेकन इल एंड सी डाइड। और इसके बाद वो बीमार पड़ी और मर गई। इवन द स्पैरो वेंट इनटू द मॉर्निंग एंड क्राउडेड अराउंड हर डेड बॉडी। और कहा जाता है कि जब दादी माँ की मृत्यु हुई तो गौरैया लोग, जितनी भी गौरैया थी, सभी लोग उनके शरीर के चारों तरफ उनको घेर ली और मानो उनके रोने पर विलाप कर रही हूँ। सच वाज दैट लेडी विद द नोबल सोल। वास्तव में वो महिला जो थी बहुत ही अच्छे दिल वाली महिला थी। तो इस कहानी में आपने देखा कि लेखक खुशवंत सिंह जो हैं अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि किस तरह से दादी माँ उनके लिए एक अच्छी अध्यापिका, एक अच्छी माँ, एक अच्छी गाइड बन करके उनको जीवन में कदम कदम पर उनको निर्देश देती रहीं और उनके द्वारा उन निर्देशों को पा करके लेखक आज भी उनको नहीं भुला पाते हैं और अपनी दादी माँ के किए गए उपकारों का शब्द चित्रण करते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं। पहले हम सभी लोग पूरे चैप्टर्स की हिंदी जानेंगे, हिंदी जानने के बाद इसका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। आई स्टूल नाइट में भी पॉसिबल परचेज करिए क्योंकि विदाउट बुक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बुक आप जल्दी खरीदें और जल्दी से जल्दी इसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो बच्चों नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन एंड रीड द स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर दायरी वाडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। अब देखिए लेकर क्या कहते हैं, मेरी दादी माँ द लाइक एवरी वाडी ग्रैंड मदर और लोगों की दादी माँ की तरह वाज एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। 20 वर्ष पहले भी वो बूढ़ी हो गई थी और रिंकल माने झुर्रियाँ, उनके गालों पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैव नोन हर, यानी जब से वो जान रहे हैं, लेखक 20 वर्ष के हैं और 20 वर्ष की अवस्था में जब से वो उनको संज्ञान में आया है तब से वो वर्णन करते हैं कि दादी माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और तभी से उनको उसी अवस्था में वो देख रहे हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते थे पहले जब ये नौजवान हुआ करती थी एंड प्रेटी तो देखने में बहुत सुंदर थी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड और उस समय इनके पति भी जीवित थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना कठिन है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मैंटलपीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का, लेखक कहते हैं कि उनके दादाजी का फोटो जो है ड्राइंग रूम में जहाँ पर अंगीठी वगैरह जलाई जाती है उसके ऊपर लगा हुआ है। ही वोर अ बिग टर्बन, वो एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनते थे एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर, उनकी दाढ़ी लंबी थी और सफ़ेद थी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और दाढ़ी इतनी लंबी थी कि उनके सीने तक आ जाती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उनको देखने से लगता था कि दादाजी जो है 100 वर्ष के, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी उस समय वो देखने में बिल्कुल 100 ईयर्स के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हू वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, उनको देखने से नहीं लगता था कि इन व्यक्ति के पत्नी होगी या बच्चे होंगे, इतने बूढ़े हो गए थे। ही लुक्ड एज इफ ही वुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन, उनको देखने से यही लगता था कि उनके बहुत सारे नाती पोते होंगे। आई फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, लेकिन
जहाँ तक मेरी दादी माँ का प्रश्न है, मेरी दादी माँ बहुत ही सुंदर और नौजवान थी। थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी रिवोल्टिंग माने क्रांतिकारी, यानी विश्वास नहीं होता था उनको देख करके कि दादी माँ जब नौजवान थी तो कभी ऐसे भी हुआ करती थी। उनके पुराने चित्र को देख करके लेखक को बिलीव नहीं होता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, और कभी कभी जब वो बच्ची थी और अपने बचपन में जो खेल खेला करती थी वो कभी कभी उन खेलों का नाम लेखक को और लोगों को बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये सुन करके जो है ऐसे लगता था कि ये मूर्खतापूर्ण बात कर रही है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेवर्स ऑफ द प्रॉफेट एंड यूज टू टेल अस, और दादी माँ के द्वारा बताई गई हर चीज़ें ऐसा लगता था कि मानो वो कोई शिक्षा पर कहानियाँ सुना रही हों, और उनके द्वारा दिया गया एक एक स्टेटमेंट जो है लेखक बहुत ध्यान से सुनते थे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, दादी माँ को जब से लेखक ने देखा वो बहुत ही छोटे कद की थी, मोटी सी थी और स्लाइटली माने अ लिटिल, थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस्क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और ऐसे लगता था कि झुर्रियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान को कट कर रही हैं। नो वी वेयर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन आई वी हैड नो हर, और हम लोग ये जानते हैं कि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से उनको इसी स्थिति में देखे थे। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्राउन ओल्डर, और वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। आई हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इसी तरह की एज में वो 20 वर्षों से थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, अब वो इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी लेकिन वो हमेशा सुंदर दिखाई देती थी। सी हावल सी हावल अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, दादी माँ की स्थिति घर में क्या है। सी हावल, हावल माने होता है लंगड़ा कर चलना यानी पैर से भचकना, तो दादी माँ पैर में लंगड़ाते हुए घर में चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ जो है कमर पर हुआ करता था, लंगड़ाते हुए चलती थी। टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, एक हाथ जो है कमर पर लगा करके शरीर को नियंत्रित करती थी और दूसरे हाथ से हाथ में माला लेकर के हमेशा उसको जपती रहती थी, उसको काउंट करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उनके चांदी के समान चमकते हुए सफ़ेद बाल जो है उनके चेहरे पर बिखरे रहते थे, और उनका चेहरा पकड़ माने होता है झुर्रियों वाला चेहरा था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होंठ जो है निरंतर हिलते रहते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा माला जपा करती थी, हाथ में माला लिए रहती थी। यस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो देखने में उसी तरह से लगती थी जैसे ठंडी के महीने में पहाड़ी एरिया को देखने में दूर से अच्छा लगता है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सर्टेनिटी, वो शुद्ध शांति की प्रतिमूर्ति थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और उनको देख करके लगता था कि वो बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से शांति से परिपूर्ण हैं, अर्थात दादी माँ के चेहरे पर चारों तरफ शांति ही शांति दिखाई देती थी। उनको देख करके लोग यही कहते थे कि इनको पूर्ण रूप से शांति प्राप्त हो चुकी है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, लेखक कहते हैं मैं और मेरी दादी माँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, जब इनके माता पिता शहर में सेट होने के लिए गए तो लेखक को अपनी दादी माँ के साथ छोड़ गए और लेखक
और उनकी दादी माँ निरंतर साथ साथ रहने लगे। सी यू टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। दादी माँ इनको सुबह जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिमसान। दादी माँ एक स्वर में प्रातःकाल की प्रार्थना करती थी, मोनोटोनस माने एक स्वर में। वाइल सी बाथ डायंड्राज में इन द होप, जब वो स्नान करती थी तो एक स्वर में लगातार प्रार्थना किया करती थी, केवल इसी उम्मीद से कि दैट आई विल लिसन एंड गेट टू नो बाई हर्ट, कि मैं उस प्रार्थना को सुनूंगा और मुझे मुझवानी याद हो जाएगी। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस, और मैं उसको ध्यान से सुनता था क्योंकि मुझे दादी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी इसे याद करने के लिए दादी ने मजबूर नहीं किया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तब उसके बाद दादी माँ लेखक की लकड़ी की बनी हुई स्लेट लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको पहले से वो धो करके रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और पीले रंग के चॉक से उसको साफ करके रखती थी। अटिनी अठन इन पार्ट, एक छोटा सा मिट्टी का दवात एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग का कलम। टाई देम ऑल इन ए बंडल, सबको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे दे देती थी, यानी कि इनका सारा सामान तैयार करके दादी माँ इनको स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी, इनको जाने के लिए अंदर से एक्साइट करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। और फिर क्या होता था, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, सुबह उनका जो नाश्ता होता था, मोटी मोटी, थिक माने मोटी, स्टेल माने बासी, मोटी मोटी बासी रोटियाँ हुआ करती थी, चपाती होती थी विद अ लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगा देती थी और उसी पर चीनी डाल देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और मैं एक आकर हम दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टील चपाती विद हर फॉर द विलेज, और इसके बाद कुछ बासी चपातियों को लेकर के दादी माँ स्कूल जाती थी और लौटते समय वो गली के कुत्तों को खिलाने का काम करती थी। तो बच्चों, आपने देखा कि लेखक की दादी माँ किस तरह से उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही हैं। आप इस चैप्टर को घर में ध्यान से पढ़िएगा और फिर हम आगे वाले पैसेज को आपको रीड कराएंगे, और अगले पैसेज को रीड करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। वेल चिल्ड्रेन, लर्न द लेसन प्रॉपरली एंड रिवाइज द मीनिंग ऑफ द लेसन, एंड वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।